हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। दोपहर के 1:15 हो गए हैं और आज जो कनागत थे उन्हें हमने विदाई दे दी है सुबह के टाइम, और अब करेंगे सांझी लगाने की तैयारी। अमावस्या वाले दिन हमारे यहाँ पर शाम के टाइम भी सांझी में रंग किया जाता है और उन्हें लगाया जाता है। तो रंग लाने हैं मुझे बाजार से, कई दिन से सोच रही हूँ। आज मौसम थोड़ा सा खुला है तो अब जाऊंगी बाजार में, नवरात्रे के लिए भी जो जो सामग्री हमें चाहिए वो लेकर आऊंगी। और गुड्डू के पापा साथ में जाएंगे, प्रीति और मैं अब लिखेंगे सामान, क्या क्या सामान चाहिए वो तो हमें पता ही है। और चिंकी ने भी अपनी एक लिस्ट बनाकर तैयार कर दिया है। इनका सामान कभी पूरा नहीं होता है हम लोगों से, चाहे कितना भी लेकर आए। जयवीरू अच्छे हैं, उन्हें एक रबड़ कटर पेंसिल बस ये चाहिए। उनका भी कच्ची पेंसिल का डब्बा जो है वो खत्म हो गया है दोनों का, वो भी लेकर आना है। उनकी भी लिख दी इसमें दो डब्बे, एक ग्रीन कह रहा था एक ऑरेंज कह रहा था। नंदनी फिलहाल सो गई है, नहीं तो उसकी भी एक लिस्ट तैयार हो जाती। खैर कोई बात नहीं, साल से वो भी स्कूल जाने लगे और मैं तो चाहती हूँ भगवान वो भी एक बहुत लंबी सी लिस्ट हमें बना कर दे। मम्मी पापा ये सामान मेरा आएगा। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल रही है, कभी छांव हो जाती है कभी धूप, बादल जो है घने छाए हुए हैं। सांझी जितने भी हमने जो जो सामान बनाया था वो सब बाहर धूप में ही रख रखा है, जिससे कि धूप लगकर सूख जाए। सबसे ज्यादा गीले थे गणेश जी, तो कलर भी तो तभी खिलते हैं जब मिट्टी की मूर्तियां कोई भी चीज होती है वो सूख जाती है धूप में, तो तभी उसमें अच्छे से कलर खिलकर आते हैं। आज खाना तो हम लोगों ने जल्दी बना लिया था श्राद्ध की वजह से, अमावस्या की, तो पूजा भी जल्दी हो गई थी। तो श्राद्ध को बोलते हैं अमावस्या वाले दिन सवेरे ही खाना बनाकर विदा कर देना चाहिए, फिर जो है आगे की तैयारी शुरू कर देता है इंसान। आज हमारे गाँव में भंडारा आया, तो भंडारा खाने कौन कौन जाएगा? मैं तो खाना खा लिया। खाना खा लिया, खैर घर में भी भंडारे की तरह ही कई सारी चीजें बनी हुई हैं, वो भी भंडारे जैसा ही है। चिंकी गई थी। चिंकी गई थी किसके साथ? भैया के साथ। कर यही काम? हाँ। अच्छा, मेला लग रहा वहाँ, बहुत सारे गेम्स हो रहे, जाओ। मैंने कहा बस मन नहीं कर रहा मेले में, अब जब कुरालसी का मेला लगेगा उसमें चलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी रोशनी आ जाएगी इधर से, ये विंडो खोल देते हैं, छोटी सी है पुराने जमाने की लेकिन ठीक है। हाँ चिंकी, लिख दिया क्या? प्रीति सामान लिख दे, फिर चले जाएंगे सवेरे से, फिर जो है सांझी लगाओगे आके, उनमें कलर करने में भी समय लगेगा। ये तो देख रही है आराम से टीवी बैठ के। आरुष कहाँ है? आरुष चला गया अपने पापा जी के पास में। चाचा जी आम की लकड़ी छोटी छोटी ही तोड़ कर लाइयो, बारीक से वाली हो जो सूख जा। अच्छा। उसमें चाहगी ना मैं हमन करने में। हाँ, पूजा ले आइयो, उन्हें हम सुखा लेंगे, ठीक है? कई दिन से तेज बारिश की वजह से गिल्ले हो रहे होंगे आम भी। माँ को सांझी की बहुत फिकर हो रही, सूखने की सूख जाएगी बहुत तेज, धूप निकलेगी, देखा गया आंख भी नहीं खुल रही। कभी कहीं डरू ना, कभी कहीं डरू, जहाँ को धूप हो वहाँ को डर। और उसकी तो है था, उसका तो हाथ हटा दिया इन्होंने, गलत करा जाग तो ने इन्होंने खिंचाओ पकड़ के ना, भारी दिख रहा था वो। अपनी चाची पू दे दे, उस पर हिंदी सही लिख के जाएगी, मेरी भी हिंदी सही नहीं है। हाँ बोल पेन से लिखो, सबसे पहले तो लिख दो नारियल। पेंसिल के डिब्बे अब चुरा के लाई हो, वो बहुत अच्छी पेंसिल है, उसका ढक्कन नहीं टूटता बार बार। अच्छा जी ठीक है, एक नारियल। चलो जी डिस्कस करते करते जो है सामान लिख लेते हैं, जो सामान रह जाएगा माँ ही बताने के लिए बता देंगी। धूप बत्ती, अगरबत्ती और पंचमेवा है, लौंग, जायफल, पान का पत्ता है, सामग्री। और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, कुर्ती तो कई सारी है लेकिन ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है इसलिए मैं इसे पहन लेती हूँ। और इसके साथ में मैंने क्रीम कलर का नहीं ब्लू कलर का दुपट्टा आज पहना है, और जो इसकी पजामी है वो भी ब्लू कलर की है, ऐसे कलर की। तो चलो जी चलते हैं मार्केट से सामान लेके आते हैं, आगे की तैयारी करेंगे आने के बाद में। अभी गुड्डू के पापा गए हैं मंदिर में, सामान की लिस्ट बनकर हो गई है तैयार, और मुझे तो बहुत लंबी लग रही लेकिन कोई बात नहीं, सामान तो ये सारा ही जरूरत का है। ये देखो जी कितनी लंबी लिस्ट बन गई, ऊपर से ले गए नीचे तक सारे लिख रहे हैं। और इसमें नीचे ना इतनी सी जहाँ मेरी ये नीचे वाली उंगली, यहाँ से है चिंकी का सामान तैयार। गुड्डू ने तो अभी अपनी लिस्ट दी नहीं। आरुषि तेरे लिए भी कुछ लाना क्या? पेंट, पेंट इसमें ही है, देखो पेंट इसमें ही है, तो पेंट सबकी तरफ से होंगे तो वो सबकी लिस्ट में आ गए। तेरी लिस्ट है कुछ? ये कच्ची पेंसिल कह रहा है, स्कूल में तो जाता नहीं कच्ची पेंसिल कह रहा, बताओ जी कैसा इंसान है। इधर से बहुत तेज बादल आ रहा है, देखो धूप निकली हुई है बहुत बढ़िया वाली, और इधर सांझी की ना पूरी चौकसाई पे है माँ और चिंकी, और ये कह रही है कि बारिश आने से पहले अंदर रख देंगे, जागते रहो पीछे से आवाज आई ना, और अब की बार बारिश आएगी इधर से, कल से आ रही थी उधर से। दोपहर लंच के बाद
आज तैयारी है मार्केट जाने की, नवरात्र की तैयारी में लगेंगे आज से ही। श्राद्ध को अलविदा कह दिया, फाइनल पूजा हो गई आज, और मैं इसे लेके चलूंगा। ये कह रही कि मैं अपनी मनपसंद का सामान लाऊंगी, आप मेरी पसंद का सामान लगते नहीं बिल्कुल भी, जबकि मैं ओरिजिनल सामान लाऊं बाजू बाजू तो चेक करके लाऊं, जैसे बादाम हो गए खा कर देख के लाऊं, और चाय की पत्ती होगी ना, एक बार तो चाय बनवा दी थी लाला जी के यहीं पे, चाय बनवा दो इसी पत्ती की, पी के और टेस्ट करके तब ले जाऊंगा मैं। तो जी खैर चलो कोई बात नहीं, सभी लेकर चलूंगा, ये अपनी पसंद का सामान ले आओगी। पसंद पसंद तो कुछ नहीं है, इन्हें जाने का शौक राग रहा है। वैसे तो बारिश का मौसम है कई दिन से, कल भी गया था मैं तो भीग के ही आया था, वेट करते करते एक डेढ़ घंटा हो गया, मगर भाई ऐसे क्या होगा, चलना तो है ही है घर, तो भीग गया था मैं, और आज इसे लेकर जाऊँगा, आज इसे भी भिगा के लाऊँगा अगर भगवान ने चाह तो, क्योंकि बारिश तो भगवान के यहीं से आवेगी। तो चलो रेडी हैं जी, चलते हैं। पूजा की सामग्री वगैरह आनी है, कुछ किचन का सामान है, कुछ जो सांझी बनाई हमने सांझी मैया उसकी पेंटिंग का सामान है, और कुछ बच्चों का सामान है। तो लिस्ट बना ली है, लिस्ट बना के ज्यादा झंझट नहीं होता, उसका है सामान। इसने सुबह से कई बार पूछ लिया, मम्मी पेंट लाई नहीं, कब जाओगे आप मार्केट, बार बार यही कह रहे हैं, अभी जाऊंगी, गए तो नहीं अभी तक, तो चलना ही पड़ेगा। ये तूफान से पहले की खामोशी और थोड़ी सी गर्मी है, नहीं तो बारिश आने ही वाली है, मुझे अनुमान ऐसा है। कलर मिले हैं दो टाइप के, ये वाले हैं ये वाले, इसमें भी हैं 12-14 कलर, और 4-6 इसमें हैं, तो सारे कलर लगभग इसमें आ जाएंगे, जितनों की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद में जो है बाकी देखा जाएगा, एक आध कलर तो रखा भी होगा घर पे। वैसे 12-14-15-16 कलर ये बहुत है, मिल के हो जाएंगे, तो अगर किसी कलर का ये मिक्स करके भी बना सकते हैं, इसमें जो 6 कलर हैं उससे मिक्स करके कोई भी कलर, लेकिन वो आना चाहिए कि कौन सा कलर चाहिए और क्या क्या मिलाना पड़ेगा। और दो डब्बे कंची पेंसिल के, ये एक ही दे दो। तो जी मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ चल रही थी शाम के टाइम में, लेकिन जो सामान ज़रूरी होता है वो लेके जाना है। एक मुझे दीपक लेना था यहाँ से, और चुनरी और चंदन, तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह से मिल जाएगी, बाकी सब सामान जो है हम राशन की दुकान पे से लेंगे। तो पहुँच गए हैं वो सामान लेकर, और थोड़ा ही था आज का सामान लिस्ट में हमारा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये लेकर गए थे सारा, मतलब किचन का जो सामान था वो लेकर गए थे। ये तो हवा कम है, ये बेर तेरे बैठ के तो खराब पड़ रहा है। मैंने इसकी हवा निकाल दी बाइक की, देखो कितना वजन हो रहा है। अभी मीटर से पता चल जाएगा, मुझे कह रही बार बार देखिए इसमें हवा कम है क्या, मैं मतलब ऊपर बैठ के इसमें नीचे कैसे देख लेती। मैंने कह रही कि दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, कह तुझे पहिया भी नहीं दिख रहा, बताओ जी इसमें भी मेरी गलती है क्या। अभी चेक ही करा लेते हैं, अभी मुझे एक दो सामान और लेना बस, बाकी सामान तो सब कुछ ले लिया। ये हमारी बाइक छोटी मोटी जगह में कुनी घूम गए, इसे बहुत दूर को घुमा कर लाएंगे, और मुझे ऊपर से ये कह रहे कि चल तुझे घुमा के लिया हूँ, घूमने का तो अपने आप मन है, और मुझे बता रहे बात। ये देखो जी भीड़ भाड़ में को निकलना कुछ जरूरी नहीं बता किसी ने, छीड़ में को चलो मुझे घुमा, छीड़ में ही पसंद है मुझे। और सामान अभी हमारे 3 रह गए जो हमारी लिस्ट के मुताबिक है, अभी उन्हें भी ले लेंगे। और इसी टाइम भीड़ हुई शाम के टाइम, श्राद्ध में इतनी कोई शॉपिंग नहीं करता ना हमारे यहाँ, तो ये देखो शाम के टाइम ही निकले सब सामान लेने के लिए। हम लोगों की सारी शॉपिंग होगी, और शुक्र है भगवान का कि बारिश नहीं आई, और हम दोनों बहुत खुश हैं, नहीं तो हमें डर हो रहा था कभी भीग कर ही जाना पड़े और हमारा सामान भी सारा भीग जाए। हम लोग घर पहुँच गए सारा सामान लेकर, और बारिश से बच गए। अभी मौसम फिर से बन के आ गया है, और नंदनी की आवाज़ आ रही है, नंदनी जब हम लोग गए तब सोई हुई थी, अभी जगी हुई है, तो फटाफट से अपनी सांझी में जो है कलर करना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए आरुषि आ गई है, इसे पता है मम्मी पेंट लेकर आ गई है, और अब तो होंगे। और इन्होंने ना सांझी धूप में रख के सुखा दी, वहाँ रख रखी, देखो आंगन में वहाँ पर रखी हुई है। और आज मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या किया, मार्केट के बीच में ही मुझे खड़े करके छोड़कर चले गए, और जब मैं बैठी तो बाइक को सीधे ही लेकर चले गए। अगर मैं पिताजी और माँ को बताऊंगी तो डांट पड़ेगी आपको कि सामान लेने जाते हो क्या करने के, झगड़ा करने के लिए जाते हो बाजार में। उसे भी देख ले क्या कर रहा है, उसका मूड ऑफ है पूरे तरीके से, उसे फोन चाहिए फोन के लिए। आरुषि बखूबी समझती है सारी बात,
फिलहाल मेरे हाथ पे लटकी हुई है ये, इस हाथ में बैग है एक और सामान वाला, और ये लगातार इसे क्रोलने लगी, मतलब मेरे हाथ में से बैग उतारने से पहले ही। पेंट तो हम वही छोड़ आए। आरुषि बोल रही मम्मी मैं भी पेंट करूंगा, तो अभी इन्हें सारा सामान दिखा देते हैं। तीनों ब्रश इन्होंने तैयार कर दिए, जब तक मैं आई इन्हें मैंने बोला था कि ढूंढ के रख लेना, बस आते ही कलर करेंगे सबसे पहले। ये चंदन है, ये आप जब स्कूल जाते हो तो ये चंदन लगा के जाना है, बहुत अच्छी खुशबू है चंदन। हाँ ये मैं चंदन लेके आई कल तो रखा पेंट, पक्का पेंट पक्का नहीं रहा है सर दो है। ले तेरा सामान आ पेपर या दे देगी फाइल पेपर। तो जी यहाँ पर चटाई पर हमने सारा सामान रख लिया है। बच्चे जिद कर रहे हैं, माँ को भी नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि सबको अच्छा लगता है कलर करना। और सबसे पहले मैंने सांझी में लगाया था वाइट पेंट और ये मुझे गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा था। अभी पेंट सूखने में भी टाइम लगेगा, अब पता नहीं कैसे कलर होंगे नहीं, क्योंकि ऊपर जब तक ये पेंट नहीं सूखता तब तक दूसरा पेंट हम नहीं इसमें चढ़ा सकते। और बच्चे जो हैं वो बिचला देते हैं, सारे के सारों को जिद लगी हुई है कि हम करेंगे कलर, हम करेंगे। अब देखते हैं कौन क्या करता है और हमारी इनमें सब में कलर कैसा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर सारे के सारे कलाकार अपनी कलाकारी दिखाने के लिए बैठ गए हैं। एक जगह काम कर रही है आरुषि, उसे खड़िया घोल कर दे दी है, उसने सारे टिकड़ी तोते पर घुमा दिया है खड़िया का पानी। और मैं यहाँ पर ये पेंट कर रही हूँ। अच्छा उधर गुड्डू बैठी है करने के लिए, तो सब लोग जो है अलग अलग पार्ट में। फिलहाल इतना सा कलर हुआ है संजी माता पर, तो जी अभी कार्य प्रगति पे है। इसकी भी सुन लो, लाइट भाग गई और लाइट चली गई है अभी, ये बता रही है मुझे। और मैंने किया है बस इतना सा कलर अभी, और अभी पेंट ना सूखने में थोड़ा समय लगता है, ये मेरे ध्यान नहीं था, नहीं तो पेंट तो दो तीन दिन पहले जैसे बनी थी ना और थोड़ी सूख जाती, लेकिन सूखाने की भी तो प्रॉब्लम हो रही थी। अभी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई थी तो सारा सामान अंदर रखना पड़ा। बहुत सारे मूर्तिकार, बहुत सारे शिल्पकार और खूब सारे पेंटर पेंटिंग बना रही है आरुषि भी, सांझी पर कलर किए जा रहे हैं। और सांझी माता का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ बोले तो जैसे कि देखो ये तोते या पक्षी जैसे भी हैं, मोर महाराज भी हैं, और इधर बर्तन टिकड़ी ये सब कलर कर दिए हैं। और अभी बजे हैं शाम के 5:30 और आज टी टाइम भी भूल गए सारे पेंटर, तो मैं रसोई में झांकने गया था, मैं देखो कभी बची कुची रखी हो, पर वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखा है, तो इसका मतलब है चाय अभी बनी नहीं, क्योंकि 5 बजे का जो टाइम है थोड़ी सी चाय की तलब का है। तो फिलहाल चलो कोई बात नहीं, बिजी शेड्यूल के चलते ये पोस्टपोन भी हो सकता है आज चाय का प्रोग्राम, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं है। पिताजी और चाचा झांक रहे होंगे क्योंकि उन्हें भी तो चाय चाहिए रोज़ाना की। गुड्डू उधर डेकोरेशन में लग गई है, जहाँ पर स्थापित होंगी मैया जी और जहाँ पर पूजा पाठ होगा। तो नवरात्र की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, सब हिस्सा ले रहे हैं इसमें एकदम हर्षोल्लास के साथ में। नंदिनी ने भी एक छोटा सा ब्रश उठा लिया, अभी अभी मेरे पास थी, फ़ोन देख रही थी, फ़ोन में देखे पेपा पिग, और अब घूम रही है यहाँ पे। मैंने से कहा मगर सारे तो नीचे मज ले रहे, पेंटर के रूप में काम कर रहे, कलर और ब्रश के साथ खेल रहे, तो यहाँ पे क्या कर रही है, तब जाके आई है। ये किसके कलर हैं, ये आपके कलर हैं? ऊपर अभी कोई नहीं है, इसे अकेली इसलिए छोड़ आया था कि ये तेरे जैसी डरपोक नहीं है। आरुष ही ऊपर अकेली रह जा, आरुष तो ये डरे लेकिन ये नहीं डरती, बहादुर बेटी। अब कलर लगाएगी इसे, ऐसे ऐसे लगाएगी ब्रश से। चलो मैं खोल दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है बाकी डांट पड़ने की। सारे खोल दूं? हाँ? तो वहाँ बैठो, उधर कहाँ जा रहे हो, वहाँ तो बैठो पहले, वहाँ लाइन में लगो, यहाँ पे बैठो, यहीं पे आपको वो चीज़ दे दी जाएगी जिस पर आपको कलर करना है। और ये कलर मैं अभी ओपन कर देता हूँ एक आपका, आप भी यहाँ पे कलर एंजॉय करो और कलरफुल नवरात्रों का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। गुड्डू ने कर दी है थोड़ी सी डेकोरेशन और यहाँ पर हमने माता रानी का भवन दरबार सजा दिया है।
और ये नौ नौरते हैं जो गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, शुभ माने जाते हैं नौ नौरते देवी के। तो जी ये हो गए चांद और सूरज, यहाँ पे तोते और टिकड़ी, और ये दो गढ़ होगी देखो मिट्टी की जो माँ ने बनाई थी, और ये हो गए संजी के भाई, ये गणेश जी भगवान, और मूसक लाल जो है इनके सामने है एकदम, और लाल कपड़ा ये मैं आज ही लेकर आई थी लेकिन थोड़ा सा पेंट लग गया है जैसे हम इन्हें रख रहे थे, क्योंकि संजी ना आज ही लगनी जरूरी है अमावस्या वाले दिन। और माता रानी को हमने चुनरी उड़ा दिया है जो मैं लेकर आई थी चुनरी, एक मैंने ऊपर पूजा को दे दिया है, वहाँ पर पूजा ने लगाई है संजी। और अभी हमारी संजी में थोड़ा सा कलर रह रहा बाकी, क्योंकि ये कलर ना सूखे नहीं थे, तो बाकी सब कलर तो भर दिए, ये साड़ी का कलर छूट रहा था, पेंट वाले हैं ना ये कलर, और बाकी सब बढ़िया लग रहे देखो। और यहाँ से यहाँ तक ये कलर मुझे कल करना है, माँ ये बोल रही थी कि जब संजी सूख जाएगी ना अच्छे से तो तब कर देना, अभी इसे ऐसे ही स्थापित कर दो यहाँ पे, क्योंकि आज संजी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी ये कलाकारी की थी हमने, कई दिन से लगे हुए थे, अगर हमारी ये सारी चीज़ें ढंग से सूख जाती ना तो कलर ना बैठता नहीं उसमें, और मिट्टी में लग के ना बहुत चिपचिपा सा हो रहा था कलर गिल्ली मिट्टी की वजह से। तो जी कल करेंगे पूजा यहाँ पर, और आज तो इन सबको खाना खिलाया जाएगा, यानी खाना जो बनेगा ना घर में पकेगा उसी से इनका भोग लगाया जाएगा। और गणेश जी महाराज देखो कितनी सुंदर प्रतिमा लग रही है इनकी।